Good morning, students. This is your sixth class. Today we are discuss about heat conduction to clean and composite wall. Before that, we are just review the last lecture. In last lecture, we are studied about the general heat conduction equation for cylindrical coordinate system. और इसमें आपने देखा था कि वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड वी आर यूजिंग आर फाई एंड थीटा एंड फॉर दिस फॉर थीटा वी आर यूजिंग आर इनटू डी थीटा ओके सॉरी डी थीटा एंड फॉर फाई वी आर यूजिंग आर साइन थीटा एंड Okay, after that we are solving in different planes. Then after we get the general heat conduction equation in the spherical coordinate system. Okay, so let's start. मैंने आपको last time ही बताया था कि for plane wall अगर हम plane wall को देख रहे हैं और plane wall में जो आउट मतलब इनर टेम्परेचर है वो T1 है और जो आउटर टेम्परेचर है वो T2 है ठीक और इसका जो थिकनेस है ये इसका जो थिकनेस है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हुई और ये हमने जो एलिमेंट भी लिया है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स हो गई तो हमें जो लिमिट मिल गई है 0 से एक्स तो इस केस में अब आपको क्या करना है तो बेसिकली आपको फॉर्मूला पता है फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन का क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स ओके अब हमने क्या किया इस सी एक्स को इस तरफ लेके गया तो ये यहाँ पे आया और विथ लिमिट एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एक्स और माइनस के ए इंटू डी टी का इंटीग्रेशन किया T1 से T2 तक तो अल्टीमेटली हुआ क्या डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आया वो एक्स है और एक्स पे जब मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की तो वो हुआ क्यू इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस के ए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुआ T2 माइनस T1 तो कंक्लूजन जो निकला वो निकला क्यू इज इक्वल टू अब ये देखो ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई करने की वजह से हुआ T1 माइनस T2 तो ये फॉर्मूला बना के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एक्स ठीक है और अगर मेरे को इसे थर्मल कंडक्टिविटी सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो अगर थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई के ओके तो इससे हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस निकला वो निकला 1 बाय एक्स बाय के ए ओके चलिए अब आता है हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट वॉल तो मैंने आपको पहले बताया था कि कंपोजिट वॉल का जो फॉर्मेशन है वो ए बी और सी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ए के बी और के सी और अल्टीमेटली उसका जो थिकनेस है वो है एल ए एल बी एंड एल सी तो अगर इसके बेसिस पे अगर मैंने एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया तो हीट फ्लो हो रहा है T1 से लेकर T2 तक तो इस बीच में एक रेजिस्टेंस आया जिसका नाम RTH के रखा दे T2 से T3 में अगर फ्लो मतलब हीट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे RTH B रखा और T3 से T4 तक जा रहा है तो ये हुआ RTHC क्लियर चलिए तो अगर अपने जो अपना बेसिक इक्वेशन देखेंगे बेसिक इक्वेशन क्या बना क्यू इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल ए इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू टी टू माइनस टी थ्री बाय एल बी इज इक्वल टू के सी इंटू ए इंटू टी थ्री माइनस टी फोर बाय सी अब इसमें से आपको T1 माइनस T2 T2 माइनस T3 और T3 माइनस T4 आपको निकालना है ये देखिए निकालने के बाद अल्टीमेटली जब आप इन लोग को ऐड कर दोगे ये तीनों इक्वेशन को तो आपको पता चलेगा कि इट इज अ फंक्शन ऑफ इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर तो ये क्या हुआ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू अब इसमें से देखिए क्यू कॉमन आ गया
कॉमन आया तो फॉर्मूला बना एल ए अपॉन के इंटू ए प्लस एल बी अपॉन के बी इंटू ए प्लस एल सी अपॉन के सी इंटू ए। और अब अगर मैं डायरेक्टली रेट ऑफ के ट्रांसफर निकालना है कंपोजिट वॉल के लिए तो फॉर्मूला क्या बना, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी वन माइनस टी फोर अपॉन एल ए अपॉन के ए प्लस एल सी अपॉन के बी प्लस एल सी अपॉन के सी। और अगर इस ए का मैंने वापस के मल्टीप्लाई वहाँ पर कर दिया तो ये आया आर टी वन माइनस टी टू टी फोर डिवाइडेड बाई आर टी एच ए प्लस आर टी एच बी प्लस आर टी एच सी। क्लियर? चलिए ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली सीरीज ऑफ मतलब सीरीज ऑफ पैरेलल सर्किट है। मतलब ये देखिए रेट ऑफ हीट फ्लो जब मैं मटेरियल ए से क्रॉस कराया तो मटेरियल ए के बाद वो अलग अलग मटेरियल्स में और एक मटेरियल था बी और एक मटेरियल था सी जिसकी कंडक्टिविटी के बी एंड के सी ये अलग अलग है। फिर इससे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पास हुआ वो के बी में पास हुआ, देन डी से जो पास हो रहा है वो ई एफ और जी तीनों में अलग अलग। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मेरे को इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो इक्विवेलेंट सर्किट ये देखिए पहला आर टी एच ए है और फिर आर टी एच बी और सी जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये आर टी एच बी और आर टी एच सी होगा। फिर आर टी एच डी जो है अगेन इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आर इक्विवेलेंट इससे और इससे सीरीज में कनेक्टेड है। अल्टीमेटली फिर इसी तरीके से इनका पैरेलल निकालेंगे और वो जो इक्विवेलेंट आएगा वो हम इससे सीरीज में कनेक्टेड। तो इसके बेसिस पे हमारा आर टोटल इससे हमारा आर टोटल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको आर टोटल मिल गया तो क्यू इज इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर या यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर मैंने टी वन लिखा और यहाँ पे अगर मैंने टी टू लिखा तो फॉर्मूला टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई आर। चलिए इसके बाद आता है टॉपिक आता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को आप पूरे यूज मतलब पूरी लाइफ टाइम में यूज से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कन्वेक्शन क्या है। एक्चुअली जब स्टेटमेंट दिया गया कि अगर रेट ऑफ हीट फ्लो सॉलिड का केस है तो फिर सॉलिड के केस में जो ये हीट है ये फ्लो हो रहा है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब कन्वेक्शन की बात आएगी तो कन्वेक्शन में कन्वेक्शन मतलब क्या हुआ, तो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू फ्लूड्स और बिटवीन फ्लूड टू सॉलिड्स है। जैसे एग्जांपल लो कि अगर मैंने एक पाइप लिया, पाइप के अंदर से हीट फ्लो कर रहा तो ये जो फ्लूड से पाइप का जो इनर पार्ट है उससे पहले ही ट्रांसफर हो, इस पार्ट को हम लोग कन्वेक्शन बोलेंगे और इस मतलब आउटर पार्ट इनर पार्ट से आउटर पार्ट में जो हीट फ्लो होगा उससे हम कन्वेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, जिसका हॉट होगा वो माइनस कोल्ड फ्लूइड। ठीक, और इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ हीट। ठीक है, या कभी कभार हीट ट्रांसफर कोफिशियंट भी बोलते हैं, दोनों वर्ड्स बोलते हैं। चलिए, तो अब ये देखिए यहाँ पे दिखाया है टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड दिया हुआ है जो इनर टेम्परेचर टी वन से स्ट्राइक हो रहा है और ये टी वन से फिर कंडक्शन के थ्रू टी टू में जा रहा है और टी टू से टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड में जा रहा है जो कन्वेक्शन है। तो अब इसके बेसिस पर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आइडेंटिफाई होगा कि क्यू इज इक्वल टू टी ऑफ हॉट माइनस माइनस टी ऑफ कोल्ड डिवाइडेड बाई वन बाई एच ए। तो आपका आर टी एच की वैल्यू क्या आएगी, तो आर टी एच की वैल्यू आ गई वन बाई एच। ठीक है, ये याद रखिए। तो जब मैंने ये वाला केस लिया तो यहाँ पे आया वन बाय एच इंटू ए, फिर ये कंडक्शन का केस था इसलिए एल बाय के ए
अब फिर ये कन्वेक्शन का केस है, तो इसलिए वन बाय एच इंटू ए आएगा। ठीक, अब सेम फॉर्मूला इंडिविजुअल अपने को टेम्परेचर हॉट फ्यूल माइनस T1 निकालना है, T1 माइनस T2 निकालना है, देन T2 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्यूल निकालना है। और तीनों को जब इक्वेट करेंगे तो आइडेंटिफाई होगा कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ हॉट फ्लूड का टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड टू द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। ठीक, ये मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, देखिए लिखा हुआ है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड माइनस T1। इसी तरीके से क्यू इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन एम, और इसी तरीके से क्यू इज इक्वल टू एच टेम्परेचर ऑफ हॉट ये वो कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर इंटू एरिया इंटू T2 माइनस T टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड। अब इनमें से मैंने ये और ये वैल्यूज बाहर निकाल ली, बाहर निकालने के बाद इनको कैंसिल आउट किया, तो कैंसिल आउट करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन मिला कि टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूड इज इक्वल टू क्यू इंटू ऑफ होल डिस्टेंस, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया एरिया इंटू दिस अपॉन में होल टर्म। अब एक्चुअल में जो इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन होता है, वो होता है क्यू इज इक्वल टू यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूड माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। तो अगर मुझे यहाँ से यू की वैल्यू निकालनी होगी तो यू की वैल्यू क्या होगी, तो इट इज द वन बाय आर कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर प्लस एल बाय के प्लस वन बाय टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये हमेशा। चलिए इसके बेसिस पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट देता है कि द इनर सरफेस ऑफ प्लेन ब्रिक वॉल इज एट 60 डिग्री एंड द आउटर सरफेस इज एट 35 डिग्री, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द वॉल व्हिच इज 220 mm थिक, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक इज 0.51 वाट पर मीटर सेल्सियस। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, T1 की वैल्यू दी हुई है, T2 की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी हुई है, तो आपको अल्टीमेटली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है। तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर लिखने की कोशिश करें तो के इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एल, सारी वैल्यूज है, बस वैल्यूज को करनी है और आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा, अगर आपका जो आंसर दिया है वो इसमें कहीं मीटर की वैल्यू मतलब एरिया की वैल्यू नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, तो पाई निकालना है क्यू पाई ए। ठीक, तो आपका ये जो क्यू बाई ए की वैल्यू है वो ये एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आर रिएक्टर वॉल 320 mm थिक इज मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ फायर ब्रिक के इज इक्वल टू 0.84 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस कवर्ड विद अ लेयर ऑफ इंसुलेटेड के इज इक्वल टू 0.16 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, द रिएक्टर ऑपरेट एट द टेम्परेचर ऑफ 1325 डिग्री सेल्सियस एंड द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ फायर ब्रिक एंड इंसुलेशन व्हिच गिव्स मिनिमम हीट, कैलकुलेट द हीट loss assuming that the insulating material has a maximum temperature of 1200 degrees Celsius। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये आपका फायर ब्रिक्स है, ये फायर ब्रिक्स है और ये आपका इंसुलेटर है, इनर टेम्परेचर दिया हुआ है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर दिया है, आउटर टेम्परेचर। अब यहाँ पे अल्टीमेटली आपको LA और LB की वैल्यू निकालनी, तो LA LB की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास तीन इक्वेशन याद है, पहला क्या है T1 माइनस T2 बाय L की वैल्यू कितनी, तो एल ए अपॉन के ए की वैल्यू इंटू एरिया इज इक्वल टू T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 अपॉन एल बी अपॉन के बी इंटू एरिया। ठीक है, तीसरा इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि एक्चुअली ट्राई करते हैं, यह है T1 माइनस T3 अपॉन
ठीक है, ये देखो तीनों इक्वेशंस मैंने बना दी। अब तीनों इक्वेशंस को पहले ये दोनों को लेके पुट किया और इससे जब सॉल्व किया तो मुझे थर्मल मतलब एल ए की वैल्यू पता। अब एल ए की वैल्यू पता चल गई है तो मुझे एल बी की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? कि एल ए प्लस एल बी से कंटिन्यूटी है तो इससे एल बी की वैल्यू पता। तो हीट लॉस पर यूनिट एरिया क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपने दोनों में से मतलब ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो क्यू बाई ए आपका निकल जाएगा, तो क्यू बाई ए आपका वैल्यू। ठीक है, चलिए मैंने पर लास्ट टाइम भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। फाइंड द हीट फ्लो रेट थ्रू द कंपोजिट वॉल एज सून इन फिगर। अज्यूम वन डायमेंशन फ्लो के ए के बी के सी के डी की वैल्यू दी हुई है और पूरा स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो ये अगर स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है? पहले इस तरीके से देखा कि ये पैरेलल है, ये सीरीज है और बाद में ये जो है अगेन इससे मिला हुआ है। और देखिए ये जो है हीट फ्लो कर रहा है हमारा क्यू, टेम्परेचर दिया हुआ है T1 मतलब 400 डिग्री सेल्सियस और लास्ट वाला टेम्परेचर दिया हुआ है T1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास RTH ऑफ A दिया हुआ है, थर्मल रेजिस्टेंस एट A, उसी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस एट B, उसी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस एट C और लास्ट थर्मल रेजिस्टेंस एट D। तो इस बेसिस पर आपको RTH B और RTH C का लेके एक इक्विवेलेंट डायग्राम RTH RTH B माइनस C निकालना है। तो B माइनस C निकाल लोगे तो ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। RTH A की वैल्यू निकाली गई, RTH B की वैल्यू निकाली गई और RTH C और D की वैल्यू निकाली गई। उसके बाद ये दोनों पैरेलल में थे इसलिए ये दोनों को पैरेलल को सॉल्व करके RTH की वैल्यू निकाली गई। अब RTH इक्विवेलेंट की वैल्यू इसका प्रोपोर्शनल हुआ, इसलिए अब ये तीनों को सीरीज में जोड़ दिया गया। तो सीरीज में जोड़ दिया गया तो आपको RTH टोटल आ गया। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ? डेल्टा टी ओवरऑल T1 माइनस T5 डिवाइडेड बाय RTH, ये आपकी वैल्यू। इसके बाद का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है।